इन मूवीज को देखने से पहले कमरे के दरवाजे की कुंडी जरूर लगा लेना, क्योंकि पांच ऐसी मूवीज के नाम बताने वाला हूँ जो तुम्हें जन्नत दिखाने वाली है। पांचवी है 2019 में रिलीज हुई एक मूवी, यस गॉड यस, नाताली डायर की। ये मूवी कहानी है एक लड़की की जिसकी दुनिया तब बदल जाती है जब एक ऑनलाइन नॉर्मल चैट डर्टी चैट में बदल जाती है, जहां इसे पता चलता है कि थ्रीसम फुल प्ले सेक्स जिसे ट्राई करने की ये डिस्परेट कोशिश करती है, ये एडल्ट ड्रामा कॉमेडी मूवी तुम्हें घर पे ही जन्नत दिखा सकती है। अगली मूवी है लव एंड लीचेस, 2022 में रिलीज हुई एक कोरियन मूवी, हिंदी में अवेलेबल है। लव एंड पेन के बीच आता है रोल प्ले। लड़का लड़की आते हैं एक कंट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में, यहाँ ये ट्राई करते हैं सेक्स के अलग अलग पोजीशंस, फैंटेसीज। कोरियन मूवी की खासियत होती है ब्यूटीफुल गर्ल्स को अमेजिंग तरीके से स्क्रीन पर दिखाना, जन्नत खुद तुम्हारे पास चल के आएगी इसे देखने के बाद। अगली मूवी से पहले इस वीडियो को लाइक। तो अगली मूवी है लव एंड अदर ड्रग्स, 2010 में रिलीज हुई फिल्म। स्टोरी एक फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जो की एक वुमनाइजर भी है, पर फाइनली इसे प्यार हो जाता है मैगी से। अरे इससे नहीं, एक जवान खूबसूरत लड़की जो सफर कर रही है एक बीमारी से, तुम्हें इनके एक्टिंग से प्यार हो जाने वाला है। नंबर टू मूवी है टिंडलर स्विंडलर, 2022 में रिलीज हुई फिल्म। कहानी है कोनमैन की, धोखेबाज जो टिंडर पे लड़कियों से मिलता है, उन्हें हाई फाई होटल्स में लग्जरी प्राइवेट प्लेन्स में डिनर करवाता है, और फिर उन लड़कियों को ये बोलता है कि कहीं वो फंस गया है, उसे पैसों की जरूरत है, और लड़कियां इसे लोन लेकर भी पैसे भेजती है, और ये फिर उन पैसों को दूसरी लड़कियों पे उड़ाता है, और ऐसे इसकी साइकिल चलती रहती है। क्या ये लड़की इसे पकड़ पाएंगी? मूवी में लग्जरी सेक्स सब मिलेगा। नंबर वन पे जो मूवी है वो है निमोफेनिया, जिसका मतलब होता है एक और जिसके अंदर अनकंट्रोल्ड सेक्सुअल डिजायर हो। 2013 की यूरोपियन टू पार्ट मूवी। स्टोरी है एक महिला की जिसकी सेक्सुअल और इरोटिक डिजायर अनकंट्रोल होती है। अब इसकी पास कौन बुझाएगा? क्या वो जिसने इसे फाइट के बीच में बचाया था? कहानी में भर भर के सेक्स डिजायर कामा सूत्रा सब मिलेगा, यहाँ जन्नत तो जरूर मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ शेयर सोच समझ के करना।